हाय फ्रेंड्स, दिस इज अर्धेंदु. वेलकम बैक टू स्पेसेस ऑफ लुसिडिटी. और आज फिर से है शनिवार. टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट माय एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ फिल्म मेकर. यस, अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था जो आप लोगों के थ्रू बहुत पसंद किया गया. हमारे स्पेसेस ऑफ लुसिडिटी में उसको दिखाया गया था. एंड थैंक यू वेरी मच आपके ढेर सारे प्यार के लिए, आपके रिप्लाइज़ के लिए. डेफिनेटली मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगा और अच्छी अच्छी फिल्में बनाने की कोशिश करूँगा. फिल्में बनाना, इसके बारे में बात करते हुए मैं अपने बचपन में चला जाता हूँ कि कैसे मैंने शुरुआत की थी फिल्मों के बारे में सोचने की. एक्टर्स, टॉकिंग अबाउट एक्टर्स, एक्टर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मूवीज़. ये सब तो हम जानते ही हैं, बट अगेन फिल्मों के पीछे कितने सारे लोग हैं. व्हाट इज़ प्रोडक्शन, व्हाट इज़ सिनेमेटोग्राफी, व्हाट इज़ स्क्रीन प्ले, साउंड डिज़ाइनिंग, एडिटिंग, ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एक फिल्म के लिए, ये लोगों को मालूम नहीं होता है. और आज मैं इसी के बारे में बात करना चाहूँगा. हम लोग देखते हैं कि काफ़ी सारे अवार्ड फंक्शंस में एक्टर्स जब बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेते हैं तो उनकी स्पीचेस कम से कम 10 मिनट की दिखाई जाती हैं, उनको काफ़ी अप्रिशिएट किया जाता है. बट हम कभी इस बारे में सोचते भी नहीं हैं कि उसके एडिटर का क्या, उस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर का क्या. उसका भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल है उस फिल्म के सक्सेस के पीछे, उस फिल्म की वैल्यू के पीछे और उस फिल्म के अनसक्सेसफुल होने के पीछे भी. दोनों भी साइड्स हैं कॉइन के जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए. जब मैं बच्चा था तो मुझे फिल्म में डायरेक्टर क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता था. फिल्म में डांसर्स क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं होता था. जूनियर आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं मैं देखता भी नहीं था. बट अगेन नाउ जब भी मैं खुद की फिल्मों में काम कर रहा हूँ या खुद की शॉर्ट फिल्म्स बना रहा हूँ या अनुराग को असिस्ट कर रहा हूँ, तो अब जाके मुझे मालूम पड़ा कि प्रोडक्शन भी कितनी बड़ी चीज़ है. एक वंडरलैंड जो फिल्मों ने क्रिएट किया हुआ है कि भाई फिल्में होती हैं या फिल्म मेकर बनने के लिए जो एक छोटी सी बात या फिल्म मेकर बनने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई आप एक ड्रीमलैंड में जीते हो और आपके पास कंसेप्ट है और आप फिल्म मेकर बन गए, वो सारी चीज़ें मेरे अंदर से अभी जा चुकी हैं. बिकॉज नाउ आई अंडरस्टैंड दैट फॉर बीइंग अ फिल्म मेकर व्हाट यू नीड टू हैव इज कॉमन सेंस. इफ यू डोंट हैव कॉमन सेंस यू कांट मेक मूवीज. येस, यू नीड टू बी गुड विद पीपल, गुड विद नंबर्स, गुड विद स्टैट्स, गुड विद फैक्ट्स एंड देन आपकी क्रिएटिविटी. क्रिएटिव होना डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, बट अगेन क्रिएटिव होना लिमिटलेस क्रिएटिविटी या सेंसलेस क्रिएटिविटी या नॉनसेंस क्रिएटिविटी की कोई इम्पॉर्टेंस नहीं होती जब तक कि आप लोगों को हैंडल करना ना सीख जाओ, जब तक कि आपको मालूम ना हो कि एग्जीक्यूशन क्या है, जब तक कि आपको मालूम ना हो कि भाई किस आदमी को क्या काम देना चाहिए. एक फिल्म डायरेक्टर एक क्रिकेट टीम के कैप्टन के जैसा है जिसको मालूम है कि किस आदमी से क्या करवाना है या किस आदमी को कब बॉलिंग देनी है, किसको कब बॉलिंग नहीं देनी, किसको कब बैटिंग पे उतारना है, किसको ओपनिंग पे उतारना है, किसको लास्ट उतारना है, लाइक दैट. टॉकिंग अबाउट क्रू मेंबर्स, क्रू के अंदर मेकअप दादा, देन आपके कैमरामैन, लाइटमैन, ये सारे लोग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके बारे में आधे से ज़्यादा लोगों को मालूम भी नहीं होता बिकॉज हमारे इंडस्ट्री में ही उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है. एक्टर्स को अप्रिशिएट करना एंड सिर्फ और सिर्फ एक्टर्स को अप्रिशिएट करना और लोगों के अंदर एक इमेज बिल्ड कर देना कि हाँ भाई एक एक्टर से ही मूवी होती है, जबकि फिल्म का सबसे बड़ा हीरो उसका डायरेक्टर होता है. और सबसे बड़े हीरो या आप बोल सकते हो फिल्म का, अगर फिल्म एक फिल्म का हीरो डायरेक्टर है या फिल्म का सेनापति डायरेक्टर है तो उसकी सेना इंपॉर्टेंट होनी चाहिए उस वॉर को जीतने के लिए. सो थैंक यू फ्रेंड्स, माय डिस्कशन या मेरे आज के टॉपिक का मतलब यही था कि भाई आप भी जान सकें कि फिल्मों के पीछे इतने लोग होते हैं या एक सेंस होनी चाहिए लोगों को अप्रिशिएट करने की कि भाई कैमरा के सामने जो लोग हैं वो तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, डेफिनेटली वो इम्पॉर्टेंट हैं, उनके बिना एक अच्छी फिल्म नहीं बन सकती. बट कैमरे के पीछे भी 1000 लोग हैं जिनके बिना भी मूवी नहीं बन सकती. थैंक यू वेरी मच.